I hope you all good at home. Today we are doing GK, and as you know that syllabus has been completed. Complete ho chuka hai. Now we are doing revision work. Okay, and today we are doing revision 2. Revision 2 is name any two. आप लोग की जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, नेम एनी टू. आप लोग को हर एक चीज़ के टू नेम्स लिखने हैं. आपको इस तरह का हेडिंग मिलेगा, नेम एनी टू, मतलब आपको जो भी टॉपिक या जो भी लाइंस होगी उसके टू नेम्स लिखने हैं. जैसे हमने EVS में करा था, बिल्कुल इसी तरह से हम टू डैश के अंदर वो टू नेम फिल्स कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर में मैंने लिखा है वाटर एनिमल, मीन्स आपको वाटर एनिमल्स के टू नेम. वाटर एनिमल्स, अब आपको पता होना चाहिए वाटर एनिमल मीन्स जो पानी में रहते हैं. आपको टू नेम्स लिखने हैं जो वाटर में रहते हैं. कौन कौन से हमने लर्न करे थे? हमने लर्न किया था फिश, FISH, फिश. तो एक नेम तो हमने फिश लिख लिया, और सेकेंड नेम हम क्या लिखेंगे? स्टार फिश, रिगार्डिंग लिख देते हैं. फर्स्ट क्या था? वाटर एनिमल्स, तो हमको वाटर में रहने वाले टू एनिमल्स के नेम लिख लेते. हमने कौन से लिखे? फिश, स्टार फिश. बहुत सारे हैं, ऑक्टोपस भी वाटर में रहता है, क्रोकोडाइल भी रहता है, और फिश भी सारी रहती है, व्हेल रहती है, डॉल्फिन रहता है. आपको कोई भी टू नेम्स लिख रहे हैं, तो मैम ने कौन से लिख दिए? फिश और स्टार फिश. नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट के टू नेम्स लिखने हैं. हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट लर्न किए थे, लैंड ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट वो क्या होता है जो वाटर पे चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर पे चलता है. आपको टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखने हैं, मीन्स आपको टू नेम लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया CAR कार, और दूसरा लिख दिया शिप. इस तरह से तो आप कोई भी लिख सकते हो, वाटर वाले भी, एयर वाले भी, और लैंड वाले भी. थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने सीखे थे, आपको लिखना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको टू नेम्स लिख दे ले ट्रांसपोर्ट के कोई से भी, तो आप लिख दो कार्स, बस, शिप, जो भी आपको पता हो वो आप टू लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर थ्री, डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जिनको हम घर पे रखते हैं और उनका यूज़ करते हैं किसी किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल काऊ है, काऊ का क्या, क्यों रखते हैं काऊ? क्योंकि वो हमें मिल्क देती है. बफेलो रखते हैं हम, शिप रखते हैं, क्यों रखते हैं शिप? शिप इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें से ऊन मिलता है. डॉग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो घर की रखवाली करता है. तो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम घर पर रखते हैं और उनका यूज़ भी लेते हैं, जैसे हॉर्स है, काऊ है, डॉग है, बफेलो है, तो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स के टू नेम्स हमको यहाँ पे लिखने हैं. कितने नेम्स लिख रहे हैं? टू नेम्स. तो आप कोई भी टू नेम्स लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ डॉग, ठीक है, और फिर एक लिख देती हूँ मैं काऊ, COW काऊ. तो एक काऊ और डॉग, टू डोमेस्टिक एनिमल के नेम लिखने, ऐसे एनिमल जिनको हम घर पर रखते हैं जो हमें यूज़ में भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल काऊ क्यों रखते हैं? काऊ इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें मिल्क देती है, और डॉग भी हम रखते हैं, ठीक है. तो ये नंबर थ्री पे क्या हुआ? डोमेस्टिक एनिमल्स. आपको रीड करना है डोमेस्टिक एनिमल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फ्लावर्स. आपको टू फ्लावर्स के नेम लिखने, कोई भी आप नेम लिख लो, टू फ्लावर्स के नेम होने चाहिए. तो आपके टू फ्लावर्स के नेम कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मैम लिख ली ROSE, रोज, रोज लिख दिया एक तो, ठीक है, और दूसरा फ्लावर हम लिख रहे हैं SUN, सन, FLOWER, फ्लावर, सन फ्लावर.
सकते हो, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मोगरा है, हमने कितने लर्न किए थे जीके में, 5 फ्लावर्स नेम लर्न किए थे, आपको यहाँ पे कितने लिखना है, बस 2 लिखना है, तो आप कोई भी 2 चूज करके लिख दो। मैम को अच्छा लगा, मैम को स्पेलिंग भी लर्न थी, तो मैम ने वो लिख दी, रोज लिख दिया, सनफ्लावर लिख दिया। ओके ओके, अब क्या लिखा है मैम ने, अब लिखा है फेस्टिवल नेम। आपको कोई भी 2 फेस्टिवल के नेम लिखने, जो भी आपको आते हैं, जैसे कि दिवाली है, होली है, ईद है, दशहरा है, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, आपको सिर्फ कितने नेम्स लिखने हैं उसमें से 2। तो आप हम कौन से लेते हैं, होली की स्पेलिंग सबको लर्न है, HOLI होली सबको पता है, हमने होली लिख दी, एक ईद लिख देती है मैम, EID है ना, इजी है ना, तो हमने ये 2 नेम्स ऑफ फेस्टिवल लिख दिया। आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, बहुत सारे नेम है, आप कोई भी 2 नेम को लिख देंगे, 2 नेम की स्पेलिंग को लिख करके हमें क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या थे, ये हमने किए थे नेम एनी 2। इसमें हमने 4 टॉपिक्स लिए थे, सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया था वाटर एनिमल, है ना, तो आपने वाटर एनिमल के 2 नेम लिखे थे, ठीक है। इसके बाद हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के किए थे, उसके बाद हमने फ्लावर नेम किया था, उसके बाद हमने क्या लिया था, डोमेस्टिक एनिमल, है ना, ये हमने 5 जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने कर लिए थे, और एक हमने लिया था फ्लावर नेम। तो आपको 2 इनके नेम्स लर्न करने हैं, एक तो वाटर एनिमल्स के, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, फ्लावर के, डोमेस्टिक एनिमल के और फ्लावर के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे ऑड वन आउट मतलब आपको बंच मिलेगा, 4 थिंग्स का, 4 चीज़ों का आपको एक बंच मिलेगा, आपको उसमें से जो ऑड है उसको आउट कर देना है, मतलब उस पर सर्कल लगा देना है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर 1 क्वेश्चन लिया है, इस नंबर 1 क्वेश्चन में हमने 4 थिंग्स लिए, एक तो ब्रेकफास्ट, एक डिनर, एक लंच और एक सैंडविच। तो ये ब्रेकफास्ट है, ये मॉर्निंग में हम खाते हैं, डिनर हम नाइट में लेते हैं, लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं, और सैंडविच क्या है, सैंडविच ये ऑड है, ये कोई मील का वो नहीं है, जैसे ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, सैंडविच तो खाने की चीज़ है, तो ये क्या है, ऑड है, तो हम इस पर क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे, और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने 4 कौन से नेम ले रखे, एक मॉर्निंग लिखा है, कौन सा लिखा है, MORNING मॉर्निंग, उसके बाद मैंने लिया है आफ्टरनून, उसके बाद है डार्क मतलब अंधेरा, उसके बाद है नाइट, इसमें से ऑड क्या है, ये तो पार्ट्स ऑफ डे है, तीनों मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट, और ये डार्क क्या है, ये ऑड है, तो हम डार्क को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, डार्क तो अंधेरा है, ये कोई डे पार्ट नहीं है, डे का कोई पार्ट नहीं है, बाकी सब क्या है, ये तीनों जो है वो डे के पार्ट है, एक तो मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट, सुबह होती है मॉर्निंग, दोपहर में होती है आफ्टरनून और रात होती है नाइट, लेकिन जो डार्क है वो क्या है, बिल्कुल ऑड है, तो हम क्या करेंगे, डार्क को सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पे ना हमने कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम लिखे, एक तो आईज है, नेल्स है, लिप्स है, ईयर्स है, अब इसमें से कॉमन चीज क्या है, जो आईज, लिप्स और ईयर्स है वो अपने ऊपर के फेस पे ही आता है, ठीक है, आईज, लिप्स और ईयर, और जो नेल्स है वो अपने हैंड्स में होता है, तो इसमें से ऑड क्या हो गया, इसमें से ऑड हो गया नेल्स, नेल्स को हम कट भी कर लेते हैं, और हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर आईज, लिप्स और ईयर्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फिर से 4 चीज़ें ली, एक तो चेयर, टेबल, पॉट और पिलो। चेयर आपको पता है जिस पे हम बैठते हैं, टेबल मैम के पास होती है, घर में भी होती है, पॉट हाट होती है, पलंग होता है लकड़ी का, और पिलो यानी आप जिसको लगा करके सोते हैं। अब इसमें से ऑड क्या है, चेयर, टेबल और पॉट तो फर्नीचर है ना, और पिलो क्या है, पिलो फर्नीचर नहीं है, तो पिलो क्या हो गया, ऑड हो गया, तो उस पर हम क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे। ओके, द लास्ट वन इज़ आई हैव टेकन अ 4 वेजिटेबल्स,
क्या वेजिटेबल्स है उसमें? नहीं, फोर वेजिटेबल्स नहीं है, एक तो मैंने टमाटो लिया है, टमाटो तो वेजिटेबल है सबको पता है। उसके बाद मैंने बिस्किट ली है, बिस्किट कोई वेजिटेबल है? नहीं है। उसके बाद मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड वेजिटेबल है? नहीं है। उसके बाद मैंने केक ली है, लेकिन ये बिस्किट ब्रेड और केक ये क्या है? ये बेकरी आइटम है। और ये जो टमाटो है ये सबसे अलग है, इन चारों में सबसे अलग है। क्यों सबसे अलग है? क्योंकि ये तो वेजिटेबल है और बाकी ये तीन क्या है? बाकी ये तीन है बेकरी आइटम्स, यहाँ बेकरी में मिलता है बिस्किट ब्रेड एंड केक। तो ये सबसे अलग क्या हो गया? ये वेजिटेबल। तो उस पर हम सर्कल कर देंगे टमाटो पे। तो आज हमने जो टू थिंग्स सीखी है वो हम अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक तो नेम एनी टू, जिसमें हमने फाइव टॉपिक के नेम सीखे थे। उसके बाद ऑड वन आउट, मतलब आपको फोर फोर के बंच होंगे, उसमें से आपको कोई भी एक जो ऑड लगे उसको आपको सर्कल करना है और इस तरह से ही क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।